जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनके पीछे लगाते हैं। तेजस्वी यादव जी की ताकत जनता, तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और जनता के दिलों पर राज करते हैं। वो डरने वाले नहीं हैं इन गिदड़। कल ही न तेजस्वी यादव जी ने कहा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, विजेता होता वही जगत में जिसने लड़ना सीखा है, अमर कहानी उसकी होती जिसने मरना सीखा है। उनको ये अच्छी तरह। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव वो चार्ज सीटेड हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। मेरे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी जी। RK सिंह कह रहे हैं कि चार्ज सीटेड हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। पहले वो भारतीय जनता पार्टी की ये बताएं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से जब राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते तो इसी तरह का धमकी देते, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनके पीछे लगाते। तेजस्वी यादव जी की ताकत जनता है और ये कितने को जेल भेजेंगे? अभी तो इनके विदाई का समय है, अभी कितने लोग जेल जाएंगे 24 के बाद इनको पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के सुपुत्र हैं और जनता के दिलों पर राज करते हैं। वो डरने वाले नहीं हैं इन गिदड़ भपकियों से। तेजस्वी यादव जी ने जब भरी हुंकार तो डर गई मोदी जी की सरकार। ये क्या तेजस्वी यादव जी को डराएंगे? कल ही न तेजस्वी यादव जी ने कहा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, विजेता होता वही जगत में जिसने लड़ना सीखा है, अमर कहानी उसकी होती जिसने मरना सीखा है। उनको ये अच्छी तरह। जिस तरीके से आप लोगों का इंडिया अलायंस बना है उसको लेकर भी कल उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये समाप्त होने के डर से सभी लोग एक हुए, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। अब तो ये इंडिया का वजूद नहीं है, इनको ये एहसास अब हो रहा है कि उनकी 24 में सत्ता नहीं रहने वाली है। ये इंडिया 26 दलों का गठबंधन है, ये इंडिया जनता का गठबंधन है, ये टीम इंडिया से भयभीत है मोदी जी की सरकार, इसीलिए इनके सारे नेता मंत्री सब अनाप शनाप बोल रहे हैं। और चाहे जितना ये अपने मन में शांति अपने कर लें कि हम फिर से सत्ता में आएंगे, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को सांत्वना चाहे जितना दे दें, लेकिन बीजेपी की विदाई निश्चित है और वो होकर रहेगी। चाहे 24 में बीजेपी की विदाई तय है, अब सब लोग अपना अपना बुरिया बिस्तर समेटें और विदा हों। अच्छा तिवारी जी, एक आखिरी क्वेश्चन है। कल उन्होंने एक ये भी बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि बिहार में जो अपराधी होते हैं वो भी खादी पहनकर अब नेता बन जा रहे हैं, इसलिए इतना अपराध हो रहा है। ये तो उनको ज़्यादा बेहतर, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में मणिपुर में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो पहले सामने आईना रख लें, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार को कोई बदनाम नहीं कर सकता है, बिहार ने देश को रास्ता दिखाया है और अभी भी पूरा देश देख रहा है बिहार, जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम की शुरुआत हुई है। तो ये लोग बिहारी के नाम पर कलंक हैं, बिहार को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। जिस जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया, सबसे ज़्यादा विधायक जीत कर आए, जितने लोगों ने वोट दिया जनता ने, सबको ये जंगली बताते, गाली देते, अपराधी बताते। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ये कभी बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार का आन बान शान कायम था, कायम है, कायम रहेगा। चलिए, अभी आपने देखा मेरे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से RK सिंह ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिया था, अब RK सिंह के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से बीजेपी वाले लोगों को राजनीतिक लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं है, तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके तेजस्वी यादव को धमकी देते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जनता के दिलों पर राज करते हैं और तेजस्वी यादव कभी झुकेगा नहीं। और साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के लोग अब बुढ़िया बिस्तर बांध ले, क्योंकि 2024 में विदाई होना
तय है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।